एवरी वन वेलकम टू एग्जाम सो आज हम करेंगे पार्ट टू ऑफ चैप्टर थ्री ऑफ क्लास इलेवन दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं दैट इज मॉडर्न प्रियोडिक लॉग क्या होता है ये देखेंगे देन नेमिंग कैसे होती है एलिमेंट्स की नोम क्लेचर ऑफ एलिमेंट्स एंड लॉन्ग फॉर्म प्रियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे कि अभी तक मेंडली पर्योडिक लॉ के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था बिफोर जो मॉडर्न पर्योडिक टेबल है जो हम आज देखते हैं उससे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई बहुत सारे वे से किया गया था काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए थे जैसे हमने डॉब्रेनियर ट्रायड्स के बारे में पढ़ा देन न्यू लैंड ऑक्टेव भी पढ़ा एंड उसके बीच में और भी बहुत सारे टाइप के टेबल्स आए देन मेंडली प्रियोडिक टेबल then, table, जो कि काफ़ी एलेबोरेटेड फॉर्म था टेबल का वो भी हमने स्टडी किया है एंड मेन्डली प्रियोडिक टेबल में आया था मेन्डली प्रियोडिक लॉ मेंडली प्रियोडिक लॉ जिसको एक्सेप्टेंस मिली थी लेकिन फर्दर आफ्टर द डिस्कवरीज बीन मेड बाय द हेनरी मॉजलेव अब मेंडलीव वो मॉडर्न प्रियोडिक लॉ में बेसिक डिफरेंस कैसे पता लगा जैसे कि पहले जब मेंडली पर्ोडिक लॉ आया प्रियोडिक टेबल बना था जो कि मैंडलीव ने बनाया था उस टाइम तक एटॉमिक स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी केमिस्ट को नहीं पता था कि एक एटम जो है उसका इंटरनली वो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है तो ट्वेंटी सेंचुरी तक ये डेवलपमेंट शुरू हो गई ठीक है टू सी इनसाइड द एटम एटम के अंदर कैसा है स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करके जो न्यू डिस्कवरीज निकली बाय द केमिस्ट उसमें एक थी 1913 में बाय द इंग्लिश केमिस्ट हेनरी मॉजलि इन्होंने क्या करा इन्होंने स्पेक्ट्रा देखा एलिमेंट्स का और एक करेक्टरिस्टिक रेगुलरिटीज देख तो प्लॉट जो इन्होंने बनाया वो दो वे में है जैसे कि एक प्लॉटिंग की गई अंडर रूट ऑफ न्यू द फ्रिक्वेंसी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर एंड जब इन्होंने ये प्लॉट देखा प्लॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगेंस्ट द जेड जेड इज द एटॉमिक नंबर तो इन्हें स्ट्रेट लाइन मिला वेर एज जब प्लॉट देखा गया न्यू अगेंस्ट द एटॉमिक मास तो ये ऐसा स्ट्रेट नहीं था तो यहाँ से पता लगा कि एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है दिस इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट हम देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की कैसे प्रॉपर्टी का ट्रेंड हो सकता है कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं तो उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर को ऑब्जर्व करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है और ऐसे ही निकल के आया जैसे मेंडली पीडिक लॉ था

एटॉमिक नंबर प्रियोडिक फंक्शन प्रियोडिकली आप रिपीट होती है एक पैटर्न से जब हम उसे क्लासीफाई करते हैं एज पर एटॉमिक नंबर सो पर्पस क्या हुआ प्रियोडिक लॉ का प्रियोडिक लॉ से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स जो अरेंज होते हैं एक सिस्टमेटिक और प्रिडिक्टेबल वे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय डिफरेंट वेज जो कि हम आगे पढ़ेंगे कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट आएगा आगे सो वी कैन अरेंज देम इन सिस्टमैटिक एंड प्रिडिक्टेबल वे कब व्हेन वी अरेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर अब हम देखते हैं एट प्रेजेंट कि ये जो प्रियोडिक लॉ है ये कॉन्सिक्वेंस है वेरिएशन का इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यन का भी एक बड़ा रोल है जिससे कि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में पता लग सकता है वट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इनमें से कुछ टेबल जो है उसमें स्ट्रेस दिया गया किस तरह से एलिमेंट रिएक्ट करता है डिफरेंट एलिमेंट के साथ कुछ में बैलेंसी के ऊपर स्ट्रेस दिया गया एंड वेयर कुछ जो थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया तो मॉडर्न वर्जन जो है उसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रियोडक्टेबल ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एंड नाउ डेज वी यूज़ दिस फॉर्म ऑफ प्रियोडक्टेबल जिसमें क्या होता है हॉरिजोंटल रोज़ होते हैं ठीक है एंड इन हॉरिजोंटल रोज़ को हम क्या कहते हैं पीरियड्स ठीक है दीज हॉरिजोंटल रोज जो है इनको पीरियड्स कहते हैं इसमें हॉरिजोंटल रोज होते हैं जिनको कि हम पीरियड्स कहते हैं और मैंडली टेबल जब हमने किया था ऐसे रोज़ को वहाँ क्या कहते थे देवर नोन एज सीरीज़ ओवर दे देवर नोन एज सीरीज़ इन मेंडली प्रियोडिक टेबल वेयर एज जो वर्टिकल कॉलम है जो कॉलम्स हैं इनको क्या कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं तो आपको याद रखना है कि पीरियड्स क्या हैं दे आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं ग्रुप्स होते हैं एंड आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप्स बने हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वर्टिकल कॉलम जो ब्लू कलर में है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन सेम है ठीक है कैसे सेम है कि इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है एक पर्टिकुलर ग्रुप में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर किया जाता है जिनकी ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है सिमिलरली लाइक दिस ग्रुप दिस ग्रुप एंड अगर आप लास्ट के नोबल गैसेस का ग्रुप ग्रुप एटीन जो है नोबल गैसेस का ग्रुप भी देखेंगे तो उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होता है सो so, इसीलिए इन्हें ग्रुप या फिर फैमिलीज़ कहते हैं ऐसे कह देते हैं नोबल गैस फैमिली एंड अकॉर्डिंग टू द आई यू पी एस सी दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ठीक है इसके अकॉर्डिंग देर आर हाउ मैनी ग्रुप्स देर आर एटीन ग्रुप्स ठीक है देर आर एटीन ग्रुप इनकी नंबरिंग ऐसे की गई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो ऑन टिल द एटीन एटीन आप देखेंगे यहाँ पे है ठीक so है सो देर आर एटीन ग्रुप एंड पीरियड्स कितने हैं देर आर सेवन पीरियड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बिफोर द रिकमेंडेशन ऑफ आई यू पी एस सी इट वॉज नेम्ब एज वन ए टू ए थ्री ए तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता था तो इसको काफ़ी सिम्प्लीफाई कर दिया गया है ग्रुप नंबर है ये वन टू थ्री फोर तो इन नंबर से थ्री फोर इन नंबर से अब इनको स्पेसिफाई किया जाता है तो हमारे पास कितने पीरियड्स हैं एक लॉन्ग फॉर्म पीडिक टेबल में देर आर सेवन पीरियड्स एंड देर आर एटीन ग्रुप्स ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता होना चाहिए अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि पीरियड्स जो हैं वो कैसे रेफर किया गया है जैसे ग्रुप्स में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं फैमिली वो बना रहे हैं जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है वेर एस पीरियड में हम देखेंगे कि जैसे सेकंड पीरियड है तो उनका ग्रुप क्या है उनका टू है जैसे टू एस वन जो हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ठीक है एन जो हाइस्ट है हाइएस्ट एन वो उसका पीरियड होता है ठीक है हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाइक यहाँ पे हम सोडियम और मैग्नीशियम देखते हैं तो इसकी आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आउटर क्या है थ्री एस वन और यहाँ मैग्नीशियम इज थ्री एस टू जो बिल्कुल आउटर यही है तो इस इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है जैसे यहाँ पे थ्री है यहाँ पे भी थ्री है तो इट इज इन द थर्ड हेयर इट इज हाइड्रोजन ओवर हेयर देन सो ऑन जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज रेडियम फ्रेंशियम सेवन एस वन टू सेवन पीरियड फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है देन देयर इज अ हीलियम तो कितने एलिमेंट्स है फर्स्ट पीरियड में टू एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सेकेंड में एट एलिमेंट्स हो जाते हैं एट एलिमेंट्स इन द सेकेंड देन अगेन थर्ड में एट एलिमेंट्स देन एटीन एटीन एलिमेंट्स हैं आफ्टर दिस सिक्स और सेवंथ में देर आर थर्टी टू एलिमेंट्स एंड ये इनकम्प्लीट है यहाँ पे इनकी दो रोज यहाँ पे हैं एज लेंथनॉइड्स जो कि सिक्स है सिक्स पीरियड है एंड एक्टेनॉइड्स बिकॉज ऑफ दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इनकी रोज अलग बनती है एफ ब्लॉक के ये एलिमेंट्स हैं लेंथनॉय्स एंड एक्टेनॉइड्स सो so, आप देखेंगे कि इनके नेम्स जैसे हैं जैसे लिथियम एल है हमें ये सिंबल्स पता लग रहे हैं बेरिलियम बी ई है तो पहले तो एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी करते थे ठीक है प्रिवलेज जाता था उस एलिमेंट्स का नाम क्या होगा ये ऑन द बेसिस की जो डिस्कवरर है ठीक है ट्रेडिशनली यही होता था डिस्कवरर या फिर कहाँ पे डिस्कवरी हुई है उसके नाम पे ये नाम एलिमेंट का होता था बट जैसे जैसे एलिमेंट्स बनते गए 94 हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं नेचुरली उसके अलावा जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं 1018 एलिमेंट्स में से 94 नेचुरली अकरिंग हैं तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैन मेड हैं ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो बहुत छोटे पीरियड के लिए बनते हैं वो इतने अनस्टेबल होते हैं ठीक है वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एक टाइम लगता है तो हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लेबोरेटरी चाहिए होती है 104, जिसे दोनों अमेरिकन ने एंड सोवियत यूनियन ने रशियंस ने क्लेम किया कि ये उन्होंने डिस्कवर किया है उन्होंने बनाया है अमेरिकन्स ने इसका नाम दिया रदर एंड सोवियत्स ने नाम दिया टोवियम, सो so, ऐसे एक कंट्रोवर्सी, एक डिस्प्यूट पैदा हुई सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, इसके अलावा और भी कंट्रोवर्सी ऐसी अराइज़ होनी शुरू हो गई ऑन द बेसिस किसने डिस्कवर किया है और उसका नाम क्या होगा सो so, ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज़ को अवॉइड करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस वन जीरो नंबर का जैसे हमने बताया है ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज़ को अवॉइड करने के लिए आया IUPAC ने ये रिकमेंड किया जब तक न्यू एलिमेंट जो भी न्यू एलिमेंट आएगा ठीक है कोई भी न्यू एलिमेंट बना है बिकॉज़ ये बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम के लिए बनता है उसकी डिस्कवरी प्रूव नहीं होती है एक सिस्टमैटिक नोमन क्लेचर हम अपनाएंगे सिस्टमैटिक नोमन क्लेचर होगा जिसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा डिस्कवरी होने के बाद तो दूसरा नाम होगा लेकिन टिल उसकी डिस्कवरी को प्रूव नहीं किया जाता तो एक ऑफिशियल नाम उस एलिमेंट को दिया जाएगा एंड ये नोमन क्लेचर जो है ये डायरेक्टली जो एटॉमिक नंबर आता है ये उससे निकल आता है जैसे कि ये नोटेशन रहती है जैसे ज़ीरो के लिए इट इज़ एन एब्रीवेशन में एन इट इज़ नील फॉर वन इट इज़ अन टू के लिए बाई है थ्री के लिए ट्राई है फोर के लिए क्वाड है फाइव पेंट सिक्स हेगस एंड सेवन सेप्ट एट इज ऑक्ट एंड नाइन इज एन आई यू पी एस सी ने नीम दिए अबव हंड्रेड जो एलिमेंट है अटोमिक नंबर जिनका हंड्रेड से ऊपर है उनके नेम्स जैसे लेट सी कैसे ये नाम दिए वन जीरो वन तो फॉर वन इट इज वन के लिए क्या है अन सो हेयर इट इज अन एंड फॉर जीरो इट इज नील देन अगेन वन दैट इज़ अन एंड देन ईयम तो सबके पीछे लगेगा तो इट इज़ अनिल अनियम देन वन जीरो टू विल बी अन नील ठीक है वन जीरो एंड फोर टू इट इज़ बाई ई एम ठीक है अनिल बी एम देन वन जीरो थ्री इज अन नील ट्राई ईयम ठीक है अनिल ट्राइम तो सिमिलरली सो ऑन वन जीरो एटीन तक के ऐसे ऑफिशियल नेम हैं जो नेम है अकॉर्डिंग टू द आई यू पी एस सी नोमक्लेचर जैसे वन जीरो एटीन का कैसे है अन अन वन वन एट ऑक्ट ईयम ठीक है अन अन ऑक्टीयम सिमिलरली अनसेप्टीयम सो दीज आर द सिम्बल्स उसके अकॉर्डिंग जो सिंबल्स हैं ये इसी नोमन से जो सिंबल्स आए हैं सो so, सबसे पहले कोई भी न्यू एलिमेंट जब डिस्कवरी होती है उसे एक टेम्प्ररी नेम मिलता है दिस इज़ द टेम्प्ररी नेम जिसका विद द सिंबल, जिसमें थ्री लेटर्स होते हैं लाइक दिस यू एंड यू ठीक है बिकॉज़ like ज़ीरो के लिए है जैसे एन देन यू थ्री लेटर्स का एक सिंबल भी उसे मिलता है जब परमानेंट नेम पहले टेम्प्ररी नेम मिल गया और वो प्रूफ हो गया उसकी डिस्कवरी किसने करी है उसका करेक्टराइजेशन हो गया तो लेटर परमानेंट नेम दिया जाता है एंड जो सिंबल्स जो हैं उसकी वोटिंग होती है आई के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम ईच कंट्री वो वोटिंग करते हैं एंड उस परमानेंट नेम में या तो कंट्री का नेम रिफ्लेक्ट होगा या किसने डिस्कवरी की है उस कंट्री की कौन सी स्टेट ने किया है और या फिर जिस भी साइंटिस्ट ने किया है उसके नाम पे वो नेम होता है दीज आर द ऑफिशियल नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो अनाउंस हुए हैं बाय आई यू पी एस सी जैसे दिस इज़ मंडलीवियम एम डी दिस इज़ द सिम्बल देन नोबिलियम देन लॉरेंशियम रदरफोडियम जिसकी हम बात कर रहे थे जो कि कॉन्ट्रोवर्सी जिसपे हुई थी देन ड्यूबनियम सो ऑन सो ऑन ये सारे नेम्स हैं सो so, यहाँ पे हमें पता लगा कि किस तरह से नेमिंग होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की बिकॉज़ एलिमेंट्स सो ऑन अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट दे आर स्टिल डिस्कवरिंग न्यू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स तो एक तरह से उसका क्लासिफिकेशन वो टेबल में कहाँ आएंगे और उनका नेमिंग क्या होगा उसको एक सिस्टमेटिक वे में करने की बहुत ज़रूरत थी सो so, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स और प्रोडक्ट टेबल के बीच में क्या रिलेशन है क्या कैसे हम कंसिडर करते हैं इन डिटेल वीड वी विल स्टडी इन आर नेक्स्ट लेक्चर फिर हम ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जो दिया है उसे प्रेस करना मत भूलिए वो आपकी नोटिफिकेशन के लिए अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा कब वीडियो अपलोड हुआ है अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता कॉमेंट करके आप अपने व्यूज भी हमें बताइए ये क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करिए दैट इज वट वुड बी दी आई यू पी एस सी नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर 120 ट्वेंटी सो ट्राई टू फाइंड द आंसर की पहुंचेगा वीडियो थैंक यू वेरी मच